स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और सबके घरों में कुछ ना कुछ बनता होगा। जैसे आज लोगों ने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आंवले का हलवा शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोग के साथ। बहुत लोग मुरब्बा बनाते होंगे, आंवले का बहुत कुछ बनता है, कैंडी बनता है, बट अभी मैंने आज बनाया है, बनाने जा रही हूँ आंवले का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। खाने में के साथ तो टेस्टी होता ही और हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। आंवले में बहुत से विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और खासकर ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसके वजह से स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। और गुड़, गुड़ में तो बहुत सारे गुड़ भरे हुए हैं। हलवा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, कारगर होगा और सर्दियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और ये डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या बच्चे हैं, उनको अगर हम सुबह सुबह खाली पेट दें, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं कि ये हलवा कैसे बनता है, एग्जैक्टली मैं कैसे बनाती हूँ, सो वो मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो आइए देखते हैं। ये आंवला है, इसको मैंने धो के अच्छे से ले लिया है और इसको मैं उबालूंगी। सबसे पहले मैं इसे बॉईल करूंगी, मैं बॉईल कर लेती हूँ। अब इसको हम 5 से 10 मिनट तक मैंने आंवला बॉईल कर लिया है करेंगे। और इसको मिक्सी में अच्छे से पेस्ट बनाएंगे, बीज निकाल के इसका, और पानी थोड़ा सा भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि पानी लेने से खराब हो जाएगा। देख सकते हो आप हमारा पेस्ट कितना अच्छे से हो गया है, दरदरा टाइप। और अब हम पैन गरम करेंगे, पैन गरम करने के बाद इसमें घी डालेंगे, शुद्ध देसी घी। सो हम घी इसमें, ये मेरा बड़ा चम्मच है, लगभग छोटे चम्मच से 2 चम्मच आराम से आ जाएगा। तो ये मैंने 2 चम्मच घी डाला। अब घी गरम होने के बाद इसमें हम अपने आंवले का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो के येलो पे ना हो जाए, तब तक इसको लगभग 10 मिनट में चेंज हो जाएगा कलर। तो 10 मिनट तक हम अच्छे से इसको भूनेंगे और ऐसे ही बराबर चलाते हुए ही हमें इसे भूनना है, ताकि जो थोड़ा सा आंवले का कड़वापन टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जब तक हमारा आंवला भुना रहा है, तब तक हम मीठे गुड़ को अच्छे से तोड़ के ले लेंगे। ये हमने गुड़ लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट, जो कि हलवे में जाने वाला है। ये गुड़ का हलवा होगा, इसमें हम चीनी थोड़ा सा भी ऐड नहीं करेंगे, इसलिए तो ये ज़्यादा हेल्दी है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा जो आंवले का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें अपने गुड़ को ऐड करेंगे। गुड़ अब पिघल रहा है अच्छे से, इसमें इसको अच्छे से हम चलाएंगे ऐसे। हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमने काजू को टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है। हलवे में ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें इलायची का दाना डाल रही हूँ, लगभग 3 इलायची मैंने लिया था। मैं ज़्यादा पाउडर मुझे पसंद नहीं है, ऐसे मैं थोड़ा सा खड़ा ही इलायची के दाने हल्का कूच कर ऐड कर देती हूँ।
अच्छे से अब पकाएंगे। पानी जो मीठे का जो पानी है उसको अच्छे से सुखा के देख सकते हो आप लोग अभी कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। हाँ ये चंदपास के जैसा भी है, ठंडे में से अच्छे से बना के टेस्ट को भी कर सकते हैं आप, बहुत ही हेल्दी होता है। लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, एक बार घर में अपने घरों में ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और ख़ासकर बहुत ही हेल्दी भी है, ठंडी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। सो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि हमारा ये हलवा रेसिपी कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू। अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी हेल्प हो। अब हलवा बनके हो गया है तैयार, देख सकते हो आप लोग, यम्मी।